हेलो डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो था स्टूडेंट बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर का, मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो बच्चे जो होता है कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में होंगे स्टूडेंट, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, उनका जो होता है कि बॉटनी पोर्सन का स्टूडेंट, बॉटनी का, ठीक है, बॉटनी का मैं सेकेंड यूनिट लेकर के आया हूँ स्टूडेंट। सेकेंड यूनिट का जो होता है स्टूडेंट, आज हम लोग जो होता है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आपका टेडोफाइट्स। ठीक है, क्या है? टेडोफाइट्स है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम लोग जो होता है कि टेडोफाइट्स पे आज डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, जो कि बीएससी के जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इनके लिए जो होता है काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। क्योंकि जो होता है कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो होता है कि एमसीक्यू मोड में होता है, और आपका अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको एग्जाम में झटका लग जाएगा और आपका परसेंटेज तुरंत डाउन हो जाएगा। फिर आपके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे बेटा इतना परसेंटेज कम क्यों हो गया। ठीक है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आते हैं जो होता है कि सीधे जो होता है क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपका कि द वस्कुलर, ठीक है, यानी कि द वस्कुलर टिश्यू इज द कॉन्फाइंड टू द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टेम फॉर्मिंग। ठीक है, यानी कि जो वस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट, कह रहा कि कॉन्फाइंड टू द सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टेम फॉर्मिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, स्टील हो जाएगा, क्योंकि जो होता है स्टील सिस्टम आप पढ़े होंगे। ठीक है, स्टील के जो होता है बहुत से टाइप भी होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आपको पता है कि जो टेडोफाइट है, टेडोफाइट से जो होता है कि आपका वस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और टेडोफाइट से जो होता है कि आपका स्टील सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है सेकेंड की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ कि द लीव्स होता है विच वियर द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड, यानी कि जो होता है कि अगर लीफ रहेगा तो लीफ पे जो होता है कि अगर स्पोरेंजिया पाए जाएंगे स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो सेकेंड जो क्वेश्चन होता है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड क्वेश्चन होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। लिखा हुआ आपका कि वन और टू, ठीक है, पेरिफेरल लेयर्स परसिस्ट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पोर्स। ठीक है, दिस जो होता है नर्सिंग सेल्स फॉर्म क्या कहलाएगा स्टूडेंट, जो होता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका टेप्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टेप्टम हो जाएगा, क्योंकि टेप्टम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नरिशमेंट का उसका काम ही होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि फोर्थ पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका लिखा हुआ है कि मैच द गैमेटोफाइट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि जो होता है आपको बताना है कि जो गैमेटोफाइट्स होता है स्टूडेंट किसके साथ जो होता है, किसी एक के साथ मैच कर रहा होगा, ये आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर आप देख रहे होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोथैलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोथैलस हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन का जो होता है आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट भी करके बता सकते हैं। इसके बाद होता है स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो होता है कि बहुत से आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, और बहुत से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है उसका सोल्यूशन तुरंत पहले आपका अपडेट हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते हैं कि सिलेजिनेला बिलोंग टू द डिवीजन, यानी कि जो सिलेजिनेला होता है ये किस जो होता है डिवीजन से बिलोंग करेगा। तो सिलेजिनेला आपको पता है टेडोफाइट्स का क्या है, प्लांट है, यानी कि क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़े होंगे टेडोफाइट्स का, तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, तो जो सिलेजिनेला होता है लाइकोप्सिडा से आपका बिलोंग करता है डिवीजन से, किससे, लाइकोप्सिडा से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा हुआ है कि जो आपका हॉर्न्स टेल्स होता है, हॉर्न्स टेल्स की बात कर रहा है स्टूडेंट कि हॉर्न्स टेल्स आर क्या है। ठीक है, तो हॉर्न्स टेल्स होता है स्टूडेंट आपका जो आपका स्फिनोप्सिडा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो होता है सेकेंड का डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि हम लोग सेवन पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि सेवन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका दिया हुआ है कि जो मार्सेलिया है वो बिलोंग किससे करती है, यानी कि जो मार्सेलिया है ये किससे आपका बिलोंग करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर सेवन आप देख रहे होंगे कि जो मार्सेलिया होता है ये आपका जो होता है कि टेक्टोप्सिडा से बिलोंग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट जो आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्न, यानी कि जो आपको बताना है इसमें से
कौन सा होता है फर्न से बिलोंग कर जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्न, यानी कि आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होता है कि फर्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरोप्सीडा। ठीक है, टेरोप्सीडा क्या होता है कि आपका फर्न है। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव डिवीजन, आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है कि प्रिमिटिव डिवीजन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आप देख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि साइलोप्सीडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? साइलोप्सीडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्लब मॉसेस आर, यानी कि जो क्लब मॉसेस होता है ये जो होता है किससे बिलोंग कर रहा है, जो आपके पास ऑप्शन है लाइकोप्सीडा है, टेरोप्सीडा है, साइलोप्सीडा है, उसके पास होता है आपका स्पिनोप्सीडा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोप्सीडा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 11 आप देख रहे हैं कि द प्रोटोस्टील इन विच फाइलम कोर इज स्मूथ एंड जो होता है राउंडेड होगा इज। ठीक है, यानी कि प्रोटोस्टील इन विच फाइलम सॉरी जाइलम है। ठीक है, जाइलम कोर इज स्मूथ एंड जो होता है राउंडेड इज किससे होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हैप्लोस्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हैप्लोस्टील हो जाएगा, यानी कि इज होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं हम लोग। जो था क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे कि प्रोटोस्टील जो है, यानी किसकी बात कर रहा है? प्रोटोस्टील का। ठीक है, प्रोटोस्टील इन विच जाइलम कोर्स इज स्टार लाइक कार्ड, यानी कि स्टार लाइक होता है कि पाया जाता है इनका प्रोटोस्टील। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो होता है कि, यानी कि ये आपका एक्टिनोस्टील कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एक्टिनोस्टील कहलाता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि लिखा हुआ द साइनोस्टील जो होता है इन विच टू सिलेंडर वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन द स्टील इज। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि आपका साइनोस्टील की बात कर रहा है, इन विच टू सिलेंडर्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन द स्टील इज। तो आपको बताना है कि इसमें से होता है किसमें प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 13 आप देख रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्लेक्टोस्टील। ठीक है, यानी कि प्लेक्टोस्टील में आपको कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर जो होता आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो होता है कि लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए और अच्छा परसेंटेज आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि इन जाइलम होता है कि इन विच प्रोटोजाइलम इज द लेइंग इन द मिडिल ऑफ द मेटाजाइलम। स्टूडेंट देखिए, क्या परसेंटेज की जो बात होती है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा जो होता है कि मैटर करता है, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो बच्चों का परसेंटेज होता है बीएससी में बहुत ज्यादा नहीं उठ पाता है, इसलिए जो होता है परसेंटेज उन्हीं का उठेगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और जो होता है रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तभी उनका अच्छा परसेंटेज उठेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इन जाइलम इन बीच से प्रोटोजाइलम ठीक है इज लेइंग इन द मिडिल ऑफ द मेटाजाइलम इज। तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यानी कि जाइलम में आप देख रहे होंगे प्रोटोजाइलम है लेइंग और मिडिल में क्या होता है मेटाजाइलम है, तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो आप देख रहे होंगे इसका जो होता है डायार्स कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डायार्स कंडीशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि द स्टील इन विच जाइलम फॉर्म्स द सेपरल प्लेट्स। ठीक है, यानी कि जो स्टील होता है इन विच जाइलम फॉर्म सेपरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है किसमें देखने को मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी हो जाता है, यानी कि एक्टिनोस्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक्टिनोस्टील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कि द जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम इज लेइंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मेटाजाइलम इज। ठीक, यानी कि जो जाइलम होता, अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जाइलम में जो होता है और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम इनका जो होता है किस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसके बेस पर हम इंडार्स एग्जार्स डायार्स कंडीशंस को जो होता है कि बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एग्जार्स कंडीशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि द ट्रायड ऑफ द स्पोरेंजिया इज कॉल्ड, यानी कि ट्रायड जो होता है स्पोरेंजिया क्या कहलाएगा? तो ये जो होता है स्टूडेंट आपका जो होता है कि क्या कहलाएगा? स्नेंजियम कहलाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो होता है 17 का बी जो होता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, साथ में आप कॉपी और पेन भी लेकर के बैठिए, ताकि जो होता है कि आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप लिखेंगे बार बार ठीक है तभी वह आपको लर्न होगा और एग्जाम में सही से होता है कि आप टिक लगा पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप गलत टिक लगा करके सबमिट कर देंगे तो फिर जो होता है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो आपको क्या करना है, राइट आंसर को पता करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है कि प्राइमरीज होता है कि एंड्रोगोनियल सेल्स होता है डिवाइड्स टू द प्रोड्यूस ए मास ऑफ, यानी कि जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होता है डिवाइड करेगा टू प्रोड्यूस ए मास ऑफ क्या होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का जो होता है कि एंड्रोसाइट्स कहलाएगा, क्योंकि एंड्रोगोनियल से लिया गया सीधे जो होता है एंड्रोसाइट्स पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा कि मैच द लिग्यूल्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि जो मैच की बात कर रहा लिग्यूल्स का, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग किससे मैच करेगा, रूट स्टेम लीफ किसने जो होता पाया जाता है लिग्यूल, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 19 होता है उसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लीफ मिस होता है कि आपको लिग्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि मेनी स्पोरोफिल्स फॉर्म, यानी कि जो होता है बहुत से स्पोरोफिल्स होता है कि बनेंगे, ठीक है, किससे, यानी कौन से, कि स्पोर से, कि स्पोरेंजिया में, कि किसी में नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा इसका क्या होगा, कौन से आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसका जो होता है कि द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द स्पोरेंजियम्स ऑफ सिलेजिनेलाइज, यानी कि जो आपका इनर मोस्ट लेयर्स होता है ऑफ स्पोरेंजिया ऑफ द सिलेजिनेला इज क्या कहलाएगा स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि आपका कहलाएगा क्या चीज, कि टेप्टम कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, टेप्टम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, प्राइमरी वेंट्रल सेल इज द फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, यानी कि प्राइमरी वेंट्रल सेल जो बनता है वो किससे बना हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेंट्रल सेल से बनता है, किससे बनता है आपका, सेंट्रल सेल, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द प्राइमरी वेंट्रल सेल्स होता है कि गिव राइज टू, यानी कि जो प्राइमरी वेंट्रल सेल्स होती है गिव राइज टू आगे चलकर क्या बनाएगी, ठीक है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं तो ये जो होता है वो स्फीयर बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि हम लोग 23 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 24 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट किस पे चलेंगे, 24 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए 24 पे हम लोग चलते हैं, लिखा हुआ 24 द उस पोस्ट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स में डिवाइड होगा, द अपर जो होता है इनलार्ज होता है, इट इज कॉल्ड क्या हुआ कहलाएगा, जो ऊपर का होगा, यानी कि 24 की जो बात कर रहे हैं वह आपका सस्पेंसर कहलाता है, ये डेवलपमेंट से क्वेश्चन है एंडोफाइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 25 पे, कह रहा कि मैच्योर वास्कुलर बंडल्स हैव द कैनल्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये आपका मैच्योर होता है अगर आपका वास्कुलर बंडल है तो 25 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी क्रेनियल कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा कि द स्टील प्रेजेंट होता है इन द इकोसिस्टम इज, यानी कि जो स्टील होता है वह प्रेजेंट होगा इकोसिस्टम में तो वह क्या कहलाएगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि 26 का आपका जो होता है साइफनो स्टील कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 होता है द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिस्प्लिट्स टू फॉर्म द फोर बैंड्स, स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है, फोर बैंड्स बनेगा, दिस होता है कि ये क्वेश्चंस मुझे लगता थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है क्या है, ठीक है, बैक एंड सेपरेट द फ्रॉम द स्पोर्स वॉल ऑन द ड्राइंग, ठीक है, दिस बैंड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा है और ये जो होता है आपका इलेटर्स कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका, इलेटर्स कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, कह रहा है कि स्पोरोकार्प इज फॉर्म इन, यानी कि जो स्पोरोकार्प होता है वो फॉर्म इन क्या बनेगा स्टूडेंट, जो होता है 28 जो आप देख रहे होंगे 28 का क्या हो जाएगा, मार्सेलिया में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि द सोराई आर प्रोड्यूस इन हार्ड फ्रूट्स बॉडी इन मार्सेलिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा मार्सेलिया में, ठीक है, यानी कि जो 29 की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा आपका स्पोरोकार्प कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन नंबर जो होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं 30 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, कह रहा है कि इन द मेगा स्पोरेंजियम ओनली वन स्पोर डेवलप फर्दर, ठीक है, ऑल अदर्स जो होता है डिस्टिंग्रेट फॉर्मिंग ये म्यूसिलेजिनस मास बनाते हैं, तो ये जो होता है कि आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो ये जो होता है कि आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें मिलेगा, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो आप प्लाज्मोडियम ही, वो प्लाज्मोडियम मत समझिएगा, प्लाज्मोडियम एक तरह का जो होता है कि आपका पैरासाइट भी है, ठीक है, तो ये आप जो होता है प्लाज्मोडियम को मत समझिएगा, ये प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 31 की बात करते हैं, नंबर ऑफ द लेयर्स इन द टेप्टम ऑफ द पॉलीमोडियम पॉलीपोडियम, ठीक है, यानी कि जो होता है कि नंबर ऑफ लेयर इन द टेप्टम ऑफ पॉलीपोडियम आर,
ठीक है, पॉलीपोडियम आर्मी जो होता है, नंबर ऑफ लेयर्स कितने होते हैं ट्रिप्टन में, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है कि बी हो जाएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको जाते जाते यहां पर एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन पर, ठीक है, अगर आपको जो होता है कि डाउट होता है कि इसका जो होता है कि ए आंसर होना चाहिए, तो आप सीधे जो होता है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जो होता है स्टूडेंट मुझे जरूर बताइए कि इसका ए है। ठीक है, वैसे मैं अपने तरफ से जो होता है कि 100% जो होता है कि पूरी तरह से जो होता है कि इंक्वायरी करने के बाद ही मैं कोई एमसीक्यू लेकर के आता हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट किसी बच्चे को ना रहे। उसके बाद भी अगर आप जो होता है किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जो होता है मुझे तुरंत बताइए। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे।